परिवार में संघर्ष होने के मुख्य तीन कारण हैं। सबसे पहले नंबर में है संपत्ति। जब जब परिवार में झगड़े होते हैं आप देख लोगे, निष्कर्ष निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये तीन रीजन की वजह से परिवार में झगड़े होते हैं। सबसे पहले नंबर में है संपत्ति। मैं आज आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा घराना अंबानी परिवार, मुकेश भाई और अनिल भाई दोनों की बनती नहीं, रीजन एक ही, संपत्ति। जहां जहां परिवार टूटा, जहां जहां परिवार अलग हुआ, आप समझ लेना ये तीन रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से आज संसार में परिवार टूटते हैं। 100% फाइट के रीजन यदि देखे जाए तो ये तीन हो सकते हैं, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सबसे पहला रीजन फाइट को फिनिश करने के लिए, आप समझ लेना जहां जहां फाइट होती है वहां सबसे पहला रीजन है संपत्ति। पैसों के लिए बेटा बाप को कटघरे में लाकर के खड़ा कर देता है। हमने हमारी आंखों से ऐसे उदाहरण देखे, पिता पुत्र है, कोर्ट में केस चल रहा है और पिता ने कुछ भी दिया नहीं, ये बेटे के मन में बात बैठ गई और पिताजी को खींचते घसीटते वो कोर्ट के दरवाजे पर ले गया। ये भी होता हुआ हमने आज के समय में देखा है। पैसे की वजह से दो सगे भाई बाजू बाजू में रहते हो लेकिन फिर भी बात ना करते हो, ऐसे भी परिवार में आज आपको दिखा सकता हूं। पैसे की वजह से पिछले 5 साल से 7 साल से 10 साल से बहन ने भाई के कलाई पर राखी नहीं बांधी, ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं जहां जहां परिवार में संघर्ष होता है, जहां जहां परिवार में फाइटिंग होती है, जहां जहां परिवार में झगड़ा होता है, उसके पीछे के तीन रीजन, सबसे पहला रीजन है संपत्ति। संपत्ति परिवार को तोड़ देती है, संपत्ति परिवार को खत्म कर देती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे पहला रीजन है संपत्ति, दूसरा रीजन है शक्ति। परिवार पे आधिपत्य किसका चले, कौन आधिपत्य चलाएगा परिवार के ऊपर, परिवार में किसका चलेगा, और ये शक्ति की दौड़ में कई परिवार टूटे हैं। शायद आपको पता ना हो, आप जिसके सबसे स्टैंडर्ड कपड़े मानते हो वो इंडिया की फेमस कंपनी है रेमंड, वही रेमंड कंपनी की मैं बात बता रहा हूं। आधिपत्य जमाने के लिए शक्ति के चक्कर में बेटे ने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बाप ये सोचता रहा कि मेरा बेटा है कहां जाएगा, मेरे साथ रहेगा। कभी बाप जीवन में सोच भी सकता है कि मेरा बेटा मुझे जीवन में घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन ये कलयुग है, यहां हर चीज संभव हो सकती है और यही हमारे साथ हुआ। आज के संसार में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी, बेटे ने बाप को बाहर धकेल दिया कि आपका यहां कोई हक नहीं है। बाप बेचारा भोले भाव से हर चीज बेटे के नाम करते गया, कोई बात नहीं मेरा बेटा है कहां जाने वाला है, लेकिन ये भ्रमणा और भ्रमणा में बेटे ने बाप को बाहर धकेल दिया, बाहर निकाल दिया। और जब लेख पढ़ा मैंने तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बाप के पास शायद खाने के लिए पैसे ना हो, बेटा 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हो लेकिन बाप के घर के ठिकाने ना हो, वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की गाड़ी में घूमता हो, उसके पास कुछ ना बचा हो। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने बेटे के ऊपर भरोसा रखा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ, जहां जहां संसार में संघर्ष हुए हैं, जहां जहां परिवार टूटे हैं, तीन रीजन है। सबसे पहले नंबर में, दूसरे नंबर में शक्ति, और समझ लेना तीसरे नंबर में है शब्द। या तो संपत्ति से परिवार टूटा, या शक्ति की वजह से परिवार टूटा, या शब्दों ने परिवार को तोड़। ये तीन रीजन के अलावा चौथा रीजन आपको संसार में परिवार टूटने का नहीं मिलेगा। संपत्ति ने परिवार को विभक्त कर दिया, परिवार को तोड़ दिया, शक्ति ने परिवार को तोड़ दिया, और तीसरे नंबर में कहा जाता है कि यदि परिवार टूटा तो शब्दों की वजह से टूटा। चाहे महाभारत चाहे रामायण, सब शब्दों की कमाल है और कुछ नहीं। द्रौपदी ने यदि यह न कहा होता कि अंधी के तो अंधे होते हैं तो शायद महाभारत न होती, और मंथरा ने कैकेयी के कान में जाकर के ये न कहा होता कि भरत के रहते राम कैसे राजा बन सकता है तो शायद रामायण न होती।
और मैं आपको कह देता हूं, समझ लेना, चाहे रामायण चाहे महाभारत, दोनों के पीछे यदि किसी का सबसे बड़ा रोल है वो शब्दों का रोल है। शब्द से ही तो संवाद बनती है और शब्द से ही संवाद बिगड़ती है। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द न हाथ न पाओ। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द न हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। यही शब्द की ताकत है, औषधि का काम भी हो सकता है। तो यही शब्द आपके भीतर में ऐसा गहरा घाव कर सकता है कि परिवार पूरा का पूरा टूट जाए। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना, बड़ा ध्यानपूर्वक। शब्दों से कई परिवार टूट, शब्दों से कई परिवार खत्म हो गए, शब्दों से कई परिवार विभक्त हो गए, शब्दों से कई परिवार खंडित हो गए। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा रामायण और महाभारत को, यदि आप चाहते हो कि घर घर में महाभारत ना हो, घर घर में रामायण ना हो, तो निश्चित तौर पर शब्दों के ऊपर काबू कर लेना। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि शायद संसार में देखा जाए तो संपत्ति से परिवार कम टूटे हो गए, संसार में देखा जाए तो शक्ति की वजह से परिवार कम टूटे हो गए, लेकिन यदि संसार में देखा जाए तो शब्दों की वजह से परिवार टूटे सबसे ज्यादा। हमें शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता, शब्दों को यूज करना नहीं आता। कहां शब्द कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे किया जाए, वो हमें पता नहीं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, और यह भी आगे निश्चित तौर पर समझ लेना कि अपने जो होते हैं वही सबसे गहरे घाव देते हैं, और कोई नहीं देता। बाहर वाले को पता नहीं कि हमें दर्द कहां होता है, हमारी तकलीफ कहां पर है, हमारी परेशानी कहां पर है, बाहर वाला शायद नहीं जानता, लेकिन घर के जो होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा घाव देते हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर, बड़ा ध्यानपूर्वक, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लेना। चाहे संबंध की बात हो, चाहे स्वजन की बात हो, बड़ी गहरी बातें समझना, दिमाग में बिठाना। चाहे संबंध की बात हो, चाहे स्वजन की बात हो, जो सच्चा होता है उसी को झुकना पड़ता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, झूठा कभी नहीं झुकता। संबंध या स्वजन यदि बचाने हैं तो आपको झुकना पड़ेगा। और यदि आपके सामने ऑप्शन आ जाए, आप देख लेना कि मुझे मेरा ईगो बचाना है या मुझे संबंध बचाना है, दो में से एक बच सकता है। या तो आपका ईगो सेटिस्फाई होगा कि नहीं मैं जीत गया, या तो आपके संबंध बच जाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, आप देख लेना, ईगो बचाना है कि संबंध बचाना है। यदि संबंध बचाना है तो 100% झुकना पड़ेगा। हम सच्चे हैं फिर भी झुकना पड़ेगा, हमारी गलती नहीं है फिर भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि झुकने से संबंध बने रहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पहला एफ फिनिश, फिनिश फाइट, फाइट को फिनिश करो। हो सके उतना जल्दी लंबा मत चलाओ, क्योंकि फाइट जितनी पुरानी होती जाती है उतनी मजबूत बनती जाती है। पहले दिन की होगी, दूसरे दिन की होगी, तो आपकी भी हिम्मत चलेगी कि जाकर के माफी मांग लो, जाकर के सॉरी कह दो। लेकिन यदि उसी में एक साल दो साल का समय निकल गया तो आपकी भी हिम्मत नहीं चलेगी और सामने वाला भी माफी देने को तैयार नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, नंबर वन फिनिश फाइट। एक बार एक जोहरी की दुकान पे सोने को घाट दिया जा रहा था और हथौड़ी से सोने को मारा जा रहा था। हथौड़ी गलत जगह पर लग गई, सोना उछल के कहीं और गिरा। जैसे ही नीचे गिरा, बाजू में लोहा पड़ा हुआ था। सोना लोहे को पूछता है कि भाई मैं कई दिन से फिराक में था कि तेरे से बातचीत हो जाए, आज बाजू में आए हैं तो मैं तुझे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चोट मुझे भी पड़ती है, मेरी भी नियति है चोट खाने की, और चोट तुझे भी पड़ती है, तेरी भी नियति है चोट खाने की, बात को समझने की और भीतर तक जाने की कोशिश करना। कौन पूछता है? सोना पूछता है। किसको पूछता है? लोहे को पूछता है।
सोना लोहे को पूछता है कि अरे भाई मैं तुझे एक सवाल करना चाहता हूं, कई दिन से मैं सोच रहा था कि तू कहीं मिल जाए तो तुझे एक सवाल कर लो। लोहे ने कहा बोलो भैया क्या पूछना है। कहा कि चोट तो मुझे भी पड़ती है, चोट तुझे भी पड़ती है, तेरी भी नियति है मार खाने की, मेरी भी नियति है मार खाने की, लेकिन मैं मार चुपचाप खा लेता हूं, जरा भी आवाज नहीं करता। सोने को जब भी पीटा जाए जरा भी आवाज नहीं होती, समझना। सोना यह कहता है कि मेरी भी नियति मार खाने की, मुझे भी पूरा दिन मार पड़ती है, तुझे भी पूरा दिन मार पड़ती है, लेकिन मैं चुपचाप सहन कर लेता हूं, आवाज नहीं करता, तू इतना चिल्लाता क्यों है। जब लोहे को ठोका जाए, उसको मारा जाए तो बड़ी आवाज होती है, और सोने को मारा जाए तो आवाज नहीं होती। सोना कहता है कि मैं भी मार खाता हूं, तू भी मार खाता है, मेरी भी नियति है मार खाने की, तेरी भी नियति है मार खाने की, लेकिन फिर भी तू इतना चिल्लाता क्यों है, मैं कितना शांति से मार खा लेता हूं, जरा भी चूचा नहीं करता, जरा भी आवाज नहीं करता। तब लोहे ने बड़ी गजब की बात बताई, उसने कहा कि भैया देखो मार खाने की तो आपकी भी नियति है, मार खाने की मेरी भी नियति है, लेकिन मैं आवाज इसलिए करता हूं कि आपको जो मारता है वो पराया है और मुझे जो मारता है वो मेरे घर का है। लोहे को लोहे से मार पड़ती है और सोने को भी लोहे से मार पड़ती है, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ लेना, हमारे अपने जितनी चोट दे सकते हैं उतना संसार में कोई नहीं दे सकता। और ये भी साथ में समझ लेना कि बाहर के 100 धक्के हम सहन कर लेंगे, घर का एक धक्का आदमी सहन नहीं कर सकता। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।